तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पेज पे ब्लू टिक आता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये कैसे मिलता है, ठीक है ना। कैसे मिलने की बात करें तो क्राइटेरिया बहुत लंबा होता है, इसको पाने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अभी जो मेटा के दो प्लेटफॉर्म है, एक तो फेसबुक है, एक है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को बाद में खरीदा था फेसबुक ने, ठीक है ना। तो अब उन दोनों पे जिसका ब्लू टिक होता है वो एक समझ उसका अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट माना जाता है, या फिर ये कह सकते हो कि बहुत अच्छे फॉलोवर्स होते हैं, या किसी हस्ती या किसी सेलिब्रिटी या किसी मतलब बड़े लोग का उसका अकाउंट माना जाता है जिसपे ब्लू टिक होता है। मतलब हर किसी का नहीं आपको ब्लू टिक दिखता होगा। रील्स बहुत लोग बनाते हैं, इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन आपको सबके पे ब्लू टिक नहीं दिखेगा। उससे एक चीज ये होती है कि एक तो पहचान होती है कि हाँ ये जेन्युइन अकाउंट है, पहली बात कि आपका जो ब्लूटूथ वाला अकाउंट है वो जेन्युइन अकाउंट है। आपके चाहे कितने भी अकाउंट फर्जी बना लिए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, उससे ये भी लगता कि हाँ ये अकाउंट किसी का है तो ये बहुत बड़ी मतलब कोई सेलिब्रिटी का है, या कोई मतलब बड़े यूट्यूबर का है, या कोई बड़ी मतलब उस तरीके का आदमी का है, तो वो भी एक लोगों सा लगा रहता है कि ब्लूटूथ है। लेकिन अभी हाल ही में क्या किया है, आप चाहो तो आप परचेज भी कर सकते हो, ब्लू टिक आप खरीद सकते हो। जैसे कि ट्विटर ने भी खरीदने के लिए पैसा लेता है, वैसे ये भी पैसा लेके आपको ब्लू टिक दे देगा। मतलब एक शॉर्टकट तरीका है कि आप ब्लू टिक परचेज कर सकते हो और अपना अकाउंट वेरीफाई करा के उसको भी आप सेलिब्रिटी की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं फेसबुक का अकाउंट, अगर आपका वेरिफिकेशन कराना है, आप परचेज कर रहे हो तो कैसे कराना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा है बहुत। आपको अकाउंट सेटिंग में जाना पड़ेगा। अकाउंट सेटिंग में आपको अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद जो आपसे एक गवर्नमेंट आईडी मांगी जाएगी, एक फॉर्म आपसे फिल करवाया जाए, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक चीज क्राइटेरिया यह है कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड ही आप अप्लाई करोगे। दूसरी बात कि आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए, और आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए तो ही जाके आप ये चीज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम में भी आपको, जब इंस्टाग्राम का आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप राइट साइड में थ्री डॉट पे जाने के बाद अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, फिर वहां पे अकाउंट वेरिफिकेशन आएगा। वहां पर भी सेम प्रोसीजर होगा कि आपको एक गवर्नमेंट की आईडी लगानी पड़ेगी। गवर्नमेंट आईडी वेरीफाई होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा, फिर आपके फोन मोबाइल नंबर या जो भी से चलाते उससे वेरीफाई होगा, देन आपके पास वो ब्लू टिक का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन यही है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आप कोई फर्जी अकाउंट है इसीलिए गवर्नमेंट की आईडी लगाई जाती है। अगर फर्जी अकाउंट है तो फिर आपके पास होगा ही नहीं वो डॉक्यूमेंट, जो उनके डॉक्यूमेंट की लिस्ट में होगी वो चीज आपसे मांगी जाएगी, आप उसमें से आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसको करने के बाद फिर आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। अब ब्लू टिक मिल जाएगा तो आप भी सेलिब्रिटी से कम थोड़े नहीं हो गए, भले आपके फॉलोवर कम है, आपने परचेज किया है। क्योंकि ऐसे क्या होता है, लोगों के पास जो क्राइटेरिया पूरा होता है तब ब्लू टिक मिलता है, बट आपने तो डायरेक्ट परचेज किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसके अगेंस्ट में हो तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ध्यान में रखना, आप ब्लू टिक ले सकते हो। जैसे कि ट्विटर ने भी अभी स्टार्ट किया है कि ब्लू टिक जिसको पाना है, वेरीफाइड अकाउंट वेरीफाइड करना है, तो उसके लिए आप परचेज करके अपना पैसा देके अपना ब्लू टिक करा सकते हो। तो ये पॉसिबल है, आप पैसा खर्चा करो, आपके पास ब्लू टिक आ जाएगा। आप भी सेलिब्रिटी की तरह मौज कर सकते हो, आपके भी एक बड़ा अकाउंट की तरह दिखेगा। कि इस तरीके से मल्टीपल अकाउंट देखोगे तो आपका वेरीफाइड अकाउंट दिखेगा ब्लू टिक से। इस तरीके को आप यूज करके आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट को वेरीफाई करा सकते। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी के साथ। थैंक यू।